हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप साथ शेयर करने वाली हूँ ये NYBA 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ये सिंपल सा मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइमर लगाऊंगी अपने फेस पर। ये NYBA का प्राइमर है, जैसे कि वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल तो सारे प्रोडक्ट NYBA के ही आने वाले हैं। तो मॉइस्चराइज़र मेरे पास नहीं था NYBA का, और शायद मॉइस्चराइज़र आता भी नहीं है NYBA का। तो मैं यहाँ पर अपने पूरे फेस पे प्राइमर अच्छे से लगा लूँगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, उबैद शेख ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करूँ NYBA से, वन ब्रांड से। तो उनका नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी तो। उसके बाद मैं यहाँ पर ये कंसीलर लगा लूँगी। कंसीलर प्लस फाउंडेशन स्टिक है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहो, ये दोनों तरीके से काम करती हैं। तो इसमें जो मेरा शेड है वो है ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल 3। तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी, और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो इसकी कवरेज आप देख सकते हो, काफ़ी सही वाली कवरेज दी है इसने मुझे एक ही बार में लगाने में। और मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो NYBA के मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, तो जो भी हैं बस उसी से ही मैं सोच रही हूँ अच्छा सा एक मेकअप लुक मैं अचीव कर लूँ, क्योंकि ना मेरे पास हाइलाइटर है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या नहीं है NYBA का। तो नेक पे भी लगाना है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं यहाँ पर। उसके बाद सेम कंसीलर स्टिक ली है एंड अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी मैं यहाँ पर। तो ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड पे, और जहाँ भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत मुझे कवरेज की ज़रूरत है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं इसको वहाँ पर भी लगा लूँगी। और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से बढ़िया तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे मेकअप उतना ही अच्छा होगा आपका। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कॉन्टोर स्टिक ली है NYBA की ही, और इसमें जो मेरा शेड है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इनके नाम बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं इनके। ये है टॉफ़ी फॉर दी हार्लम डांस 6, इसमें मेरा शेड है। ये कॉन्टोर स्टिक है, इसमें आपको शेड्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं purple.com पे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, अपनी स्किन टोन का वहाँ ले सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं इसके प्रोडक्ट्स। और सेम कंसीलर मैंने अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आप मेरी नोज देख सकते हो यहाँ पर कितनी सही है हो गई है। और यहाँ पर मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है NYBA का, इसमें पफ आया था जो कि काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी का पफ मिला है ये इसमें अंदर। और इसमें SPF 40 है, तो बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। तो इसलिए मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है क्यून्स वार्म हनी लुक 5। तो इतना बड़ा शेड है इसका, तो मैं इसको लगा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये NYBA का काजल लिया है, इसमें लिखा है द बिग एप्पल ऑफ माय आई। इसको मैं लगा लूँगी एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, मैंने इसे लिया है और मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। सो लॉकडाउन में आईब्रोज़ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है आईब्रो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ गैप्स को फिल करूँगी, कुछ भी अलग से मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, क्योंकि आईब्रो वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत हाल ख़राब है आईब्रोज़ का। तो मैं जैसे मुझे लग रहा था वैसे वैसे मैं फिल कर लूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा हैवी आईब्रो हो गई हैं, क्योंकि कहाँ तक हम बाल निकाल सकते हैं चिमटी से। तो सेम आईब्रो इस तरीके से फिल कर लूँगी एंड एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से उसी की मैं इनको सेट कर लूँगी, ताकि जो भी डार्कनेस है ब्लैक व्लैक वो सब ठीक हो जाए। उसके बाद सेम काजल लेकर के मैं अपनी आईलेट पे इसको लगाऊंगी वी एरिया में, और उसके अंदर की तरफ एक छोटे से ब्रश से ब्लेंड करूंगी। तो आई मेकअप के लिए मेरे पास कोई भी आई शेडो वगैरह नहीं है, तो मैं यहीं से ही कुछ काम चला रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ करूँ मैं आई मेकअप के लिए, तो देखेंगे आपको कैसा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद में कंसीलर है जो वो अपनी आईलेट के मिड में लगाऊंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस कंसीलर को सेट करने के लिए सेम पाउडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी यहाँ पर, ताकि ये क्रीज ना हो। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने लिपस्टिक ली है NYBA की ही, और मेरी आदत हो गई है बार बार प्रोडक्ट का नाम बताना ऐसे ही, क्योंकि ये तो वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल तो बताना ज़रूरी ही नहीं है कि मैं NYBA का यूज़ कर रही हूँ सब कुछ। तो लिपस्टिक लेकर के अपनी आईलेट पे लगा लूँगी अच्छे से, और डार्क कलर में लगाऊँगी। 2 से 3 बार मैंने लगाया था, और ये देख सकते हो थोड़ा बहुत आई मेकअप मेरा यहाँ पर सही लगेगा इसे लगाने की वजह से। और फिर से मैं इसे सेट कर लूँगी, ताकि ये इधर उधर भागे ना। तो इसको सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। एंड यहाँ पे जो मैंने काजल लिया था वही मैं अपनी लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी, बहुत मोटा मोटा लगाऊँगी, ताकि थोड़ा बहुत मेरा आई मेकअप है वो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में।
और यहाँ पर ये मैंने एक क्रेयोन लिपस्टिक ली है, मेकअप कॉल 16 है इसका शेड। मैं अपने चीक्स पर इसको लगा दूँगी एज अ ब्लश और एक ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड काफ़ी अच्छा पीची पिंक सा कलर है जो कि ब्लश के लिए परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर इसे लगा करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ये आप देख सकते हो। उसके बाद सेम लिपस्टिक है वो मैं अपने लिप्स पर लगा लूँगी, और ये थोड़ा सा डार्क हो गया था तो सेम पाउडर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी और इसको लाइट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।